गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेंटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल पाइप की फिटिंग जो है वो कैसे करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें सबसे पहला काम जो आता है इलेक्ट्रिशियन का, जब भी वायरिंग शुरू होती है उसमें सबसे पहला काम आता है हमारा लेंटर के अंदर जो है वो पाइपिंग करना। तो पाइप जो है लेंटर के लिए जो पाइप आती है, ये हमने जो चूज़ की है ये डी प्लास्ट की पाइप है और 25 mm जो है वो इसका डाया है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी रहती है इसकी डी प्लास्ट की। जैसे अगर वर्कर का पैर भी है इसके ऊपर आ जाता है तो भी ये जो है क्रैक नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है आज ये लेंटर डलना है, इसका आधा काम जो है हमने कर लिया है। तो इसके लिए हमने पहले सबसे पहले जो है वो इसका सेंटर निकाला है। ये आपका फैन बॉक्स है और इसका सेंटर जो है वो निकालती बार इस कोने से उस कोने तक जो है वो हम एक धागा बांधते हैं जिसको हम सूत बोलते हैं, और वहाँ से इस कोने से भी इस कोने तक जो है वो एक उसी सूत को जो है वो बांधते हैं। जहाँ भी सेंटर निकलता है उस सेंटर में हमने ये जो है वो फैन बॉक्स रख दिया है। और इसी फैन बॉक्स से जो है ये आपकी एक मेन पाइप आ रही है ये वाली, इस मेन पाइप से जो है वो दीवार का जो स्विच होता है स्विच बोर्ड, वहाँ से सप्लाई जो है वो यहाँ पर आएगी फैन बॉक्स से। और यहाँ से हमने जो है ये चार जो है हमने सीलिंग बॉक्स रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इनको भी जो है हमें एक बराबर गैप रख के, एक यहाँ पर है और चौथा जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सारे जो है वो हमने जो हमारी सीलिंग लाइट लगती है उसके लिए है। और एक पॉइंट जो है वो हमने यहीं से इस दीवार के लिए दिया हुआ है, जैसे कोई भी आपने बल्ब जलाना है या अगर कोई ट्यूब जलानी है। और ये जो सीलिंग बॉक्स आपको दिख रहा है ये पीछे, यहीं से एक सप्लाई जो है हमने बाहर छज्जे के लिए छोड़ दिए, यहाँ पर भी हम बल्ब वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। और यहीं से हमने एक पॉइंट जो है वो बाहर दे दिया है इस सीलिंग बॉक्स से। आप देख सकते हैं कि यहीं से हमने एक पॉइंट जो है वो बाहर दे लिया, क्योंकि एक बाथरूम जो है वो हमारा यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ के लिए सप्लाई भी जो है वो हमने यहाँ पर छोड़ दी है। और दूसरी साइड में भी हमने एक पॉइंट फैन बॉक्स से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दीवार के बीच में जो है ये छोड़ दिया, और यहीं से एक पॉइंट जो है हमारा बाहर छज्जे के लिए भी चला गया, तो यहाँ पर भी हम कोई भी लाइट वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा ये काम भी हमने रात को कर लिया था, ये हमारा बाथरूम है जिसमें हमारा स्टेप लेंटर डलेगा छोटा, मतलब डाउन करके। तो यहाँ पर भी एक हमने फैन के लिए जगह छोड़ दी है और यहाँ से ही हमने चारों दीवार के लिए जो है वो पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारा स्विच बोर्ड से आएगा, यहाँ से सप्लाई जो है हमारी वो इस फैन बॉक्स में आएगी और यहीं से जो है वो चारों साइडों में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो भी हमने जैसे गीज़र का पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा तो ये गीज़र के लिए हमने छोड़ दिया है, और कोई पॉइंट अगर आपने लगाना है जैसे वॉश मशीन के लिए लगाते हैं पॉइंट, तो वहाँ के लिए भी सप्लाई हमारी यहाँ से चली जाएगी। और कोई आपने शीशे के पास में कोई वो लगाना है ब्लोअर वगैरह लगाने के लिए पॉइंट लगाना है तो यहाँ से भी सप्लाई आ जाएगी। एक कमरा हमने ये भी जो है वो तैयार कर लिया है, इसमें भी हमने सेम वही चीज़ जो है वो यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड आएगा सामने इस दीवार के ऊपर, और यहीं से आपकी सप्लाई जो है वो इस फैन बॉक्स में आ जाएगी, और यहीं से एक डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने इस दीवार के ऊपर। और सेम हमने चार सीलिंग बॉक्स जो है वो यहाँ पर इसी कमरे में रखे हुए हैं, एक यहाँ पर है आपका और एक ये है और एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे है, और यहीं से हमने एक पॉइंट जो है वो इस दीवार में भी उतारा हुआ है और यहीं से एक पॉइंट जो है हमने उस दीवार में भी जो है वो उतार दिया, और यहाँ से एक पॉइंट जो है हमारा फिर से छज्जे के लिए जो है हमने कर दिया। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो लड़के हैं उनका सबसे पहला काम आता है ये पाइपिंग करना लेंटर के लिए। तो ये जो है वो मेन पॉइंट होते हैं, उसके बाद जो है हमने ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इन पॉइंटों को जो है हमने बंद करना होता है, इसको बाद में हम कपड़ा वगैरह लगा के या कोई कागज़ वगैरह लगा के जो है बंद करना पड़ता है ताकि यहाँ पर जो है वो कचरा ना जाए। और इसके ऊपर भी जो है ये जो आपको छेद दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनके अंदर भी हम कागज़ वगैरह डाल देंगे ताकि
जो सीमेंट का मसाला है वो इसके अंदर ना जाए, जिससे ये चूड़ी जो है वो उसकी ख़राब ना हो। एक पॉइंट हमने इस सीलिंग बॉक्स जो है वो बाहर वाली इस साइड वाले छज्जे को भी दे दिया है, और बाकी हॉल है हमारा ये आगे, ये हॉल भी हमारा आधा तैयार हो गया, और थोड़ा सा काम जो है हमारा रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ में कैसे हम करते हैं इसको। उसके बाद हमारा ये हॉल है, और हॉल की मेन सप्लाई जो है वो हमारी यहाँ से आएगी इस दीवार से, और यहीं पे हमने ऊपर वाले जो हमारा फ्लोर बनेगा उसके लिए भी हमने सप्लाई जो है वो यहीं पे छोड़ दी है। और ये इस हॉल के अंदर जो है हमारे दो फैन बॉक्स आए हुए हैं, एक वहाँ पे है और एक फैन बॉक्स जो है वो यहाँ पर है, और यहीं से एक सप्लाई जो है हमने दूसरी साइड में स्विच बोर्ड लगाने के लिए जो है वो हमने उतारी हुई है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहीं पर हमने जो है वो एक सीलिंग बॉक्स है वो है यहाँ पर रखा हुआ है, एक हमारा वहाँ पर है और एक सामने है, और वहीं से हमने दूसरी साइड की जो दीवार है हमारी वहाँ पर जो है हमने बैंड डाल के जो है वो यहाँ पे सप्लाई नीचे उतारी हुई है, और एक सीलिंग बॉक्स यहाँ हो गया, और एक सीलिंग बॉक्स जो है वो वहाँ पर है, और एक सीलिंग बॉक्स आपका वहाँ पर है, और यहीं से इस फैन बॉक्स से हमने सप्लाई जो है वो बाहर छज्जे के लिए भी जो है वो निकाली हुई है। ये सप्लाई जो है वो यहाँ पर हमारी इस छज्जे के लिए है बाहर के लिए, और एक सीलिंग बॉक्स आपका ये आ गया, और ये सीलिंग बॉक्स, और यहीं इसी सील बॉक्स से जो है वो हमने जहाँ पर हमने टीवी वाला पॉइंट रखना है वहाँ के लिए जो है वो हमने सप्लाई जो है वो यहाँ पर उतार ली है। फैन बॉक्स को और सीलिंग बॉक्स जो है फिट करने के बाद जो है इस तरह सा ये गत्ता जो है वो आप ज़रूर नीचे रख लें, और इनके छेद भी जो है वो अच्छी तरह से इनको बंद कर लें ताकि जो मसाला है इसके अंदर बीच में ना जाए। तो ये सभी सीलिंग बॉक्स के अंदर जो है वो गत्ता रखने का काम जो है अभी हम कर रहे हैं, और ये जो डिब्बियाँ हैं आपकी इनको भी जो है, और इन अगर जब हम इनके नीचे गत्ता रखते हैं तो हमें बाद में जब हमारी शटरिंग खुलती है तो उस टाइम भी जो है हमें पॉइंट जो है वो आसानी से मिल जाता है, इसका ये भी फ़ायदा रहता है। हमारा आगे का काम भी जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये हमारी गैलरी का कंसील्ड बॉक्स रखा है, और यहीं से हमने सप्लाई जो है वो इस कंसील्ड बॉक्स को दे दी है, क्योंकि यहीं से हमारी इस पाइप के साथ जो है हमारी मेन सप्लाई जो है वो यहाँ पे हमारा इस जगह में हमारा एमसीबी बॉक्स लगेगा, और यहीं से ये सप्लाई जो है वो यहाँ से होती हुई जो है वो इस रास्ते से होती हुई जो है वो इस कमरे के लिए जाएगी, ये जो आपको कमरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आपकी बाथरूम के लिए भी जो है वो मेन वायर जो है वो सप्लाई हो जाएगी, और मेन जो आपका बाथरूम के बाहर जो बोर्ड लगेगा उसके लिए हमने यहाँ से सप्लाई जो है वो उतार दी है। और ये हमारा जो एक गैलरी है, गैलरी के लिए हमने फ़ैन बॉक्स रखा है, और यहाँ से एक पौड़ियों के ऊपर जो है कंसील्ड बॉक्स रख दिया है, और ये सप्लाई आपकी मेन जाएगी, और यहाँ से आपकी एमसीबी बॉक्स में, और यहीं से इस कंसील्ड बॉक्स से जो है वो इस हॉल के लिए भी जो है हमने कनेक्शन जो है वो ले लिया है, और इसके बाद जो है वो सप्लाई आपकी, ये जो है हमारा एक स्टोर है, इस स्टोर में जो है वो सप्लाई आपकी इस फैन बॉक्स से आ गई यहाँ से, और ये जो कंसील्ड बॉक्स रखा है यहाँ से होती हुई सप्लाई जो है वो आपके इस पीछे वाले कमरे के लिए है, जहाँ से आपकी मेन जो है वो यहाँ इस फैन बॉक्स से होती हुई जो है वो इस दीवार के ऊपर आएगी, और ये आपका स्टोर है जहाँ पर एक हमने फ़ैन बॉक्स रखा है, और यहाँ से दो कंसील्ड बॉक्स हैं, एक आपका यहाँ पर रख दिया है और एक जो है हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ से आपकी दीवार के ऊपर भी हमने एक पॉइंट जो है वो उतार लिया है, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर उतार लिया इस फैन बॉक्स से, और एक पॉइंट जो है हमने इस दीवार के ऊपर लगा लिया है, ताकि इन फ्यूचर जहाँ भी हमने बल्ब लगाना हो वहाँ पर हम लाइट का जो है वो सोर्स जो है वो लगा पाएँ। और
यहाँ से आपकी इस स्टोर को जो सप्लाई आ रही है वो आपकी मेन सप्लाई जो है वो इस पाइप से होती हुई आएगी और इस कंसील्ड बॉक्स से होती हुई जो है वो यहाँ पर आपके इस जगह में जो है वो आपका एमसीबी बॉक्स रहेगा नीचे, यहाँ से होती हुई जो है वो सप्लाई नीचे आ जाएगी और यहीं से ऊपर आएगी आपकी। और ये आपका किचन है, ये किचन के लिए आपका फैन बॉक्स है और ये एक और कंसील्ड बॉक्स है और यहाँ से ये चिमनी के लिए जो है वो सप्लाई यहाँ से उतार दी है, जो भी हमने पॉइंट लगाना है या गीज़र के लिए लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वॉश मशीन जो है वो यहाँ पर आएगा नीचे, तो ये हमने गीज़र पॉइंट के लिए जो है वो पावर सॉकेट रखने के लिए जो है पॉइंट उतार दिया है। और ये आपका दूसरी साइड में है जहाँ पर हमारा कोई भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो है हम लगा सकते हैं और चिमनी वगैरह के लिए भी यही पॉइंट जो है वो जाएगा। और ये आपका दूसरी दीवार के ऊपर जो है वो एक पॉइंट हमने उतार लिया है कोई ट्यूब या बल्ब लगाने के लिए। और इसमें दो आपकी कंसील्ड लाइट आ गई और यहाँ से आपका ये वाली जो पाइप आपकी ये चली गई स्विच बोर्ड के लिए नीचे यहाँ पर आपका, और ये आ गया आपका एमसीबी बॉक्स के लिए जहाँ पर सभी कमरों की सप्लाई जो है वो आप देख सकते हैं कि जुड़ गई है। ये आपकी यहाँ से चली गई इस रूम को होती हुई हॉल में चली गई यहीं से, और यहीं से आपकी जो है वो पीछे उस वाले कमरे को जो है वो यहाँ से सप्लाई जो है वो आपकी चली गई, यहीं से आपकी बाथरूम के लिए भी चली गई। और ये वाला जो रास्ता जो मैंने पहले बताया था यहाँ से आपके पीछे वाले कमरे के लिए, इस स्टोर के लिए, और यहाँ से जो है वो आपकी इस किचन के लिए, और यहीं से आपकी सप्लाई जो है वो बाहर जो हमारा बरामदा है बरामदे के लिए भी जो है सप्लाई यहाँ पर चली गई है। और ये बरामदे में जो स्विच बोर्ड आएगा वहाँ के लिए सप्लाई है। और यहाँ पर एक फ़ैन रख दिया हमने और दो जो है हमने कंसील्ड बॉक्स रखती हैं और एक कंसील्ड बॉक्स जो है वो आपका यहाँ हमने बाहर वाला जो छज्जा है हमारा यहाँ पर रख दिया है। और इस फैन बॉक्स से सप्लाई जो है वो बाहर बरामदे के छज्जे को निकल गई है, वहाँ पर हमने यहाँ से तीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं हमने कंसील्ड बॉक्स, एक वहाँ हो गया है, एक ये सेंटर में और एक ये इधर कोने में जो है वो रख दिया है। और यहाँ से सप्लाई जो है वो आपकी वहाँ से होती हुई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट आएगी। और जो हमारा मीटर बॉक्स है वो जो है यहाँ पर जहाँ पर ये भाई साहब पाइप फिट कर रहे हैं इसके नीचे जो है हमारा मीटर बॉक्स रहेगा, जहाँ से मेन सप्लाई जो है वो इस पाइप से होती हुई जो है वो इस एमसीबी बॉक्स में जाएगी और इस एमसीबी बॉक्स से जो है वो सारे रूमों में जो है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आजकल जो है वो एमसीबी बॉक्स को जो है वो मेन डोर से अंदर ही रखते हैं, यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा और यहाँ पर एमसीबी बॉक्स रहेगी। इन फ्यूचर कोई भी कमरे की लाइट अगर रात को भी कोई बंद होती है तो हम वहीं से अंदर से ही जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ से एक मेन सप्लाई जो है हम जो बाहर से हमारी मेन वायर आएगी इस बेंड से होती हुई जो है हम इसको नीचे उतारेंगे मीटर बॉक्स के अंदर और वहाँ से आपकी मेन जो है वो आपकी इस पाइप से होती हुई जो है वो उस एमसीबी बॉक्स में चली जाएगी। इसी पॉइंट के ऊपर से जो है जहाँ पर एमसीबी लगेगी यहीं से हमने जो फर्स्ट फ्लोर बनेगा हमारा उसके लिए भी हमने सप्लाई जो है वो यहाँ पर छोड़ दी है। जब भी हम ऊपर वाली बिल्डिंग बनाएंगे तो यहीं से सप्लाई जो है वो आपकी नीचे एमसीबी बॉक्स हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई जो है आपकी ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर के लिए जो है वो चली जाएगी। तो ये मेन सप्लाई के लिए भी पाइप जो है वो हमने यहाँ पर डाल दी है और वहाँ से उस कोने से जो है वो आपकी मेन सप्लाई जो है वो, ये मेन सप्लाई जो है वो कभी भी आगे से फ्रंट से जो है वो नहीं रखनी चाहिए, तो इसलिए हमने जो है वो उसको यहाँ से साइड में जो है वो कर दिया है। और यहाँ पर हमने एक जंक्शन बॉक्स रख के जो है वो यहाँ से सप्लाई जो है वो आपकी मेन वायर जो है वो यहाँ से अंदर आ जाएगी। हमने सीखा कि लेंटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल पाइप की फिटिंग जो है वो किस तरह से करते हैं, कौन कौन से पॉइंट जो है वो रखे जाते हैं और हम एमसीबी बॉक्स जो है वो कहाँ पर रखना चाहिए और मीटर बॉक्स जो है वो कहाँ पर रखना चाहिए, वायर जो है वो उसको जो मेन वायर आती है हमारी सप्लाई की उसको लाती वायर जो है वो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। हमने फ्रंट से जो है वो वायर ना ला के हमने साइड में जो है वो पॉइंट रखा है ताकि देखने में जो है वो भद्दी ना लगे, क्योंकि अगर हम आगे से लेते हैं तो थोड़ा देखने में जो अच्छी नहीं लगती है। तो इस पूरे
घर की जो है वो वायरिंग जो पाइप फिटिंग है वो हमने कर दी है। इसके नीचे जो है आप देख सकते हैं कि गत्ता वगैरह जो है हमने नीचे अच्छी तरह से रख दिया है सारे कंसील्ड बॉक्स के अंदर, और इस तरह से जो है वो आप पाइप की फिटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। पाइप का ध्यान रखें, जब भी आप लेंटर डालें तो जो लेबर है कई बार जो है वो पैर इसके अंदर जो है वो आ जाता है, तो जैसे ही कहीं से अगर पाइप क्रैक हो जाती है तो आप तुरंत जो है उसको रिप्लेस कर दें ताकि आपकी पाइप जो है वो ब्लॉकेज ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।